वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका इकाई 3, संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। इकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट। प्रस्तावना। मानव समाज के लिए संप्रेषण का बड़ा महत्व है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ है वक्ता और भावी व्यक्ति करना चाहता है वह श्रोता तक ठीक उसी रूप में पहुँचते अपने भावों विचारों एवं इस कौशल से प्रस्तुत करना है कि जो कहना समझना चाहते हैं सामने वाला उसका सही भाव समझे। इससे संप्रेषण में एक तरह की संवादिता निहित रहती है। ये तत्कालीन विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था में वर्गों तथा एवं संदर्भ वर्ग से दूसरे संदर्भ वर्ग, एक उप संस्कृति से अन्य उप संस्कृति वर्ग द्वारा प्रभावित होता है। इस तरह मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अन्यायों तक पहुंचाने के लिए एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा और आज सूचना क्रांति के युग में इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट आदि द्वारा संप्रेषण की प्रतिक्रिया को क्रियान्वित करता है। आज सूचना एवं तकनीकी के विकास ने संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। कुल मिलाकर वर्तमान युग में संप्रेषण का महत्व निदवान रूप से महसूस किया जा रहा है। इसलिए संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के विषय में जनता अति आवश्यक है ताकि संप्रेषण हेतु इन माध्यमों का समुचित एवं प्रभावी उपयोग किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन सामग्री में संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के बारे में पढ़ें। अधिगम का उद्देश्य। इस पाठ को पढ़कर छात्र निम्नलिखित कार्य कर सकने में समझ हो सकेंगे। संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों, उनके महत्व एवं विशेषताओं को जान सकेंगे। संप्रेषण की प्रतिक्रिया में संप्रेषण माध्यमों एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट आदि की अवधारणा और महत्व के अवगत हो सकेंगे। संप्रेषण प्रतिक्रिया में परंपरागत एवं तकनीकी माध्यमों एवं उनके प्रभावकारी प्रयोग के विषय में जान सकेंगे। संप्रेषण माध्यमों पर चर्चा, परिचर्चा एवं इन पर अपनी राय दे सकेंगे। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। संप्रेषण भावी व्यक्ति संबंधी भाषा पर आधारित एवं संचेतन प्रतिक्रिया है। इसमें बल इस बात पर दिया जाता है कि वक्ता जो कहता है श्रोता तक वह बात ठीक उसी रूप में पहुँचे। संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन है। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस शब्द से हुई है। इस कम्युनिस शब्द का अर्थ है संयुक्त या साझा। संप्रेषण की प्रतिक्रिया में वक्ता और श्रोता में समानुभूति एवं भागीदारी का होना आवश्यक है। माध्यम और परिस्थिति के आधार पर यदि हम गौर करें तो संप्रेषण के कई भेद प्रकट होते हैं। माध्यम के आधार पर मौखिक, संकेतित और लिखित भेद दिखाई देते हैं, तो परिस्थिति के अनुसार संभावित जिसमें बिना किसी यंत्र आदि के मौखिक या संकेतिक रूप से विचार का आदान प्रदान होता है। यांत्रिक जिसमें तकनीकी आधारित यंत्र, फोन, दूरदर्शन आदि सम्मिलित रहते हैं। वास्तव में संप्रेषण माध्यम ही संचार प्रतिक्रिया की कार्यान्वित करते हैं। आज संप्रेषण के माध्यमों के अंतर्गत संप्रेषण, संप्रेक्ष और परपाक, संदेश गहनता की दृष्टि से एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा जैसे परंपरागत माध्यम के साथ साथ तकनीकी विकास के साथ इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट आदि अनेक माध्यम प्रभावी संप्रेषण माध्यम के रूप में उभर कर आए हैं। संप्रेषण प्रतिक्रिया में माध्यम का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये माध्यम ही है जो संप्रेषणकर्ता और संप्रेषणहीनता दोनों के बीच सेतु बनाता है। इस माध्यम के द्वारा ही संदेश श्रोता तक और श्रोता की प्रतिक्रिया का संदेश संप्रेषण तक पहुंचता है। संप्रेषण की इसी प्रतिक्रिया के पूर्ण होने के फलस्वरूप समाज में समाजो योगी विचार एवं व्यवहार का निर्माण किया
जाता है। इसी तथ्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के तीव्र विकास के इस युग में संप्रेषण की महत्ता स्वयं सिद्ध है। आज इस बात की ओर भी आवश्यक है कि संप्रेषण को जितना सरल सुलभ और सुगम बनाया जाए कि त्वरित गति से विकसित हो रहे ज्ञान विज्ञान के दीपक विचारों भावनाओं अनुभवों तथा अपेक्षाओं की लो मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे। कोई भी ज्ञान विज्ञान या तकनीकी अपने आप में अर्थहीन है यदि सही ढंग से सही समय पर और सही समुदाय के बीच उसका संप्रेषण सिद्धता से करके उसका लाभ उठाया जाए। जो भी समाज संप्रेषण में पीछे रह जाए वह विकास की प्रतिस्पर्धा में बिछड़ जाएगा। वस्तु संप्रेषण प्रतिक्रिया द्वारा एक व्यक्ति अभी भी माध्यम के प्रयोग द्वारा दूसरों के साथ अपना ज्ञान विज्ञान ज्ञान विचार सूचनाएं भावनाएं आदि सब कुछ इसमें सम्मिलित रहता है, साझा करता है, ताकि प्रत्येक को मत्यक संदेश का अर्थ लक्ष्य व प्रयोग के विषय में संयुक्त ज्ञान प्राप्त हो सके। जहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संप्रेषण एक बहुआयामी प्रतिक्रिया है, जिसलिए इसके कुछ निश्चित नियम और माध्यम निर्धारित नहीं किए जा सकते। संप्रेषण की पूरी प्रतिक्रिया श्रोता और श्रोताओं के माध्यम संप्रेषित संदेश के आसपास घूमती है। वक्ता जब एकालाप से सभाषण तक का सफर तय कर लेता है तो तभी उसका संप्रेषण का रूप ग्रहण कर पाता है। यहाँ सेज ही एक ही जिज्ञासा इस सवाल के रूप में उठती है कि संप्रेषण के कौन कौन से माध्यम हैं। यह माध्यम का अर्थ है साधन, उपाय, आधार, यानी जिसके द्वारा हम अपने कार्य को अंजाम दे आदि, यानी माध्यम वह साधन है जिसकी सहायता से कोई कार्य सिद्ध होता है। वहाँ माध्यम से भी पर्याय है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, सूचना प्रदान करने वाले, रेडियो, पुस्तक, लेख, पत्र, पत्रिकाएँ, दूरदर्शन, मौखिक शब्द, चित्र, भाव, भाविकाएँ आदि सभी माध्यम किसी न किसी रूप में संप्रेषण की श्रेणी में आते हैं। परंतु प्रत्येक माध्यम, प्रत्येक संप्रेषण, प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक समय, प्रत्येक अथवा प्रत्येक उद्देश्य के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकता। उदाहरण, एक पढ़ा लिखा संप्रेषण निरसर श्रोता तक अपना संदेश या संप्रेषण या संदेश पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिका को माध्यम नहीं बना सकता। संप्रेषण के लिए संदेश या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार माध्यम का समाज से गहरा एवं निकट संबंध है, जिससे समाज में जन समस्या को, रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। संप्रेषण समाज के मन और मत दोनों को परिवृत्त व परिकृत करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि समाज पर संचार माध्यमों का अनादिकाल से प्रभाव रहा है। समाज में सूचना एवं संदेश के संप्रेषण माध्यम आज समाज की विकास प्रक्रिया से ही जुड़े हुए हैं। वास्तव में कुछ प्राचीन वर्षों में तकनीकी उन्नति के परिणाम स्वरूप संप्रेषण के अनेक नवीन साधन अस्तित्व में आए हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण विधियों एवं संप्रेषण प्रतिक्रिया को प्रभावित किया है। 20वीं शताब्दी के अंत में दूरभाष में वाकित पारंपरिक संप्रेषण को अधिकांश सीमा तक काम कर दिया था। 1960 में फोटोस्टेट मशीन ने कार्बन पेपर के प्रयोग को लगभग समाप्त कर दिया। तत्पश्चात 1980 के पश्चात सूचना एवं संप्रेषण संगठनों के प्राचीन संप्रेषण रूपों का स्थान नवीन इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों यंत्रों ने ले लिया। पेजर, फोन केसिंग, ईमेल, सेलुलर फोन,
आदि नवीन संप्रेषण माध्यमों का जन्म हुआ, जिन्होंने संप्रेषण की दुनिया को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया। यहाँ कुछ विस्तृत संप्रेषण माध्यमों के संक्षेप में विभिन्न संदर्भों में देखें। एकालाप संप्रेषण का एक विस्तृत माध्यम है। एकालाप या संगत संप्रेषण कोई भी भाव या विचार सर्वप्रथम व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही उठता है। मन ही मन वह अपने इस विचार पर चिंतित अनुचिंतित कर किसी निरकिस पर पहुंचता है। यही एकालाप है। अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं। यह व्यक्ति स्वयं ही वक्ता और श्रोता, दूसरे शब्दों में संबोधित और संबोधित, संबोधक और संबोधित है। नाटक या सिनेमा के संदर्भ में यदि हम देखें तो पात्र की वह स्थिति जब व्यक्ति अपने स्वागत भाषण के माध्यम से पूरी कथा या स्थिति को उद्घाटित करता है। एकालाप में व्यक्ति अपने आपसे बात करता है। एक तरह से वह अपने मन में उठ रहे भाव और विचारों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचता है। संप्रेषण के इस माध्यम में संप्रेषणकर्ता संप्रेषण ग्रहीता दोनों एक ही होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जिसमें व्यक्ति चिंतन मन करता है। संप्रेषण के इन माध्यम के अंतर्गत संप्रेषक यदि श्रोता को आपको गढ़ रहा होता है, जैसे कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह कल अपने बेटे के स्कूल जाएगा और उसके कक्षा अध्यापक अध्यापिका से मिलकर उसकी प्रगति प्रोसेस का पता लगाएगा, परंतु उसे कुछ देर बाद ध्यान आता है कि कल तो उसे अपने ऑफिस जाना ज़रूरी है। बेटे के स्कूल में मैं अगले दिन जा सकता हूँ, परंतु ऑफिस का काम नहीं डाला जा सकता। एकालाप की प्रतिक्रिया में एकालाप के दो रूप या भेद कहे जा सकते हैं, स्थिर और गतिनात्मक स्थिर। एकालाप में वक्ता किसी एक विचार बिंदु तक सीमित रहता है। गतिनात्मक एकालाप में वक्ता स्वयं से ही सवाल जवाब करने लगता है। इस तरह की संप्रेषण प्रतिक्रिया एक अकेले व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा चलती रहती है। मस्तिष्क में सत रूप में गतिमान चिंतन मन अपने आप से बातचीत एकालाप संप्रेषण ही है। इस संबंध में डॉक्टर अमर सिंह प्रधान का मत है कि कई बार व्यक्ति में ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह अकेला अपने आप में किसी विषय पर मन करता है, तक वितक करता है। ऐसी स्थिति में भी संप्रेषण की पूर्ण प्रतिक्रिया घटित होती है। इसे अंत व्यक्ति संप्रेषण एकालाप व्यक्ति के मस्तिष्क में ठहर रहे संदेश पर उसे कैसी प्रतिक्रिया प्रकट करनी है, यह उस क्षण प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर वह निर्धारित करता है। अंत इस तरह के संप्रेषण माध्यम को एकालाप कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को ही कोई संदेश दे रहा होता है, जब हम किसी विषय पर चिंतन मनन कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो एकालाप की प्रक्रिया स्वस्थ आरंभ हो जाती है। स्वंगवाद संप्रेषण माध्यमों में एकालाप से अगला चरण है संवाद। संवाद यानी दो या दो से अधिक लोगों की आपस में बातचीत की प्रतिक्रिया, जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। संवाद का अंग्रेजी पर्याय है डायलॉग, जिसका भी पर्याय है। दो या दो से अधिक लोगों की परस्पर बातचीत संवाद या बातचीत की भाषा सहज सरल स्वाभाविक उत्साह और उत्कृष्ट संबंधक होनी चाहिए। बातचीत में वाक्य छोटे छोटे और चुस्त होने चाहिए। इन गुणों के अभाव में संवाद नीरस और
उबाऊ हो जाएंगे जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में संघवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के माध्यम मौखिक बातचीत। इस प्रकार की स्थिति को वार्तालाप, संभाषक या कथक कथन आदि भी कहा जाता है। संवाद में वक्ता संप्रेषण प्रतिक्रिया का प्रभावित बिंदु है, जहाँ से इस प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है, और श्रोता की प्रतिक्रिया इसे विकास प्रदान करती है। प्रतिपाद एवं शैली की दृष्टि से संवाद के दो भेद दिखाई देते हैं। प्रतिखाद की दृष्टि से स्तर एवं ज्ञानात्मक संवाद। स्थिति संवाद में वक्ता और श्रोता की स्थिति स्थिर रहती है, भूमिका मुख्य वक्ता की रहती है, श्रोता बस सुनता रहता है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना या फिर किसी सभा आदि में किसी नेता का भाषण। इसके विपरीत ज्ञानात्मक संवाद में वक्ता और श्रोता की स्थिति कर्मश वक्ता और श्रोता और श्रोता वक्ता के रूप में परस्पर बदलती रहती है। शैली की दृष्टि से संवाद के मौखिक और लिखित दो रूप दिखाई देते हैं। मौखिक संवाद में मौखिक एवं संकेतित रूप से भाव व्यक्ति की जाती है। इस तरह के संवाद में एक तरह की अनौपचारिकता विद्यमान रहती है, जबकि लिखित संवाद में इस तरह की औपचारिकता रहती है। ये ज़्यादा स्थायी एवं स्पष्ट संवाद होता है। संप्रेषण के संवाद माध्यम के लाभ यह है कि भाव और विचारों की इसके अंतर्गत भाव और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के बोलकर या आमने सामने संवेद बोलकर या अगित हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। अंत संप्रेषण का यह सबसे सस्ता और प्रचलित माध्यम है। संप्रेषण के इस माध्यम के अंतर्गत कभी वक्ता संप्रेषण करता कभी वक्ता में होता है तो कभी श्रोता की भूमिका में होता है। मुख्य बात यह है कि संप्रेक्षणकर्ता से श्रोता तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासा एवं आकांक्षाओं शाखाओं का समाधान पा सकता है। वस्तु जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो वे दोनों अपने अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे होते हैं। इसलिए मीडिया के विशेषज्ञ विमर्शन प्रतिक्रिया प्रकट करते होते हैं। इसके अनुसार परिवेश ज्ञान आशा तथा अन्य जानकारियां संदेश के प्राप्तकर्ता का अनुभव क्षेत्र निर्मित करते हैं। संप्रेषण की संवाद प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने संदेश द्वारा समाज की मन स्थिति का ही करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए कई दो व्यक्तियों के माध्यम ही चर्चा विचार विनिमय कक्षा में अध्यापक लाभ संवाद छात्रों के मध्य बातचीत अधिक विकसित रूप है। सामूहिक चर्चा इसके अंतर्गत दो से सामूहिक चर्चा जब संप्रेषण के एक अलावे संवाद का ही और अधिक विकसित रूप है। सामूहिक चर्चा इसके अंतर्गत दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से किसी विशिष्ट विषय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही सामूहिक चर्चा कहा जाता है। वास्तव में किसी संगठन सामयिक समूह के सभी सदस्यों के एक समान उद्देश्य होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए वह सभी मिलकर प्रयास करते हैं। वास्तव में किसी संगठन व्यावसायिक में वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में यह एक प्रचलित शिक्षा विधि है, जिसमें छात्र को संवाद पठन पाठन एवं समस्याओं पर सामूहिक रूप से सोचने विचारने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें छात्रों को सीखने एवं किसी विषय पर अपनी बात रखने की आदत विकसित होती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों के कार्य करने के कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का निराकरण में मदद मिलती है। इस सामूहिक चर्चा के द्वारा कार्य क्षेत्र संबंधी बाधाओं का निराकरण के साथ साथ उत्पादन लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संप्रेषण के इस माध्यम के अंतर्गत एक पारिवारिक सदस्यों का आपसी विचार नियमित कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक का परस्पर विचार विमर्श या फिर एक संगठन के कर्मचारी जब इकट्ठे होकर आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं आदि सामूहिक चर्चा के उदाहरण है।
सामूहिक चर्चा के समूह लगभग सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अंत चर्चा के माध्यम से समूह के समक्ष रखी गई समस्याओं के तमाम पहलुओं पर बात की जाती है और एक सर्वमान्य और प्रभावशाली निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। संप्रेक्षण के सामूहिक चर्चा माध्यम विषय की स्पष्टता के लिए सामूहिक चर्चा की सफलता की शर्त उद्देश्य आयोजन की कुछ पूर्ण शर्त सामूहिक चर्चा के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार सामूहिक चर्चा के गुण दोष आदि का दृष्टिपात करना यहाँ आवश्यक है। सामूहिक चर्चा की सफलता की शर्तें सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सर्वप्रथम समूह के सदस्यों को चर्चा उद्देश्य स्पष्ट हो। इससे समूह के सदस्य उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त समूह के सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्णय लेने में बाधा पहुंचेगी। समूह के सदस्य निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के मांग के तमाम प्रसंगों पर भली भांति विचार विनिमय करते हैं। इसके लिए सभी सदस्य सक्रिय रूप से अन्य सदस्यों की बात को ध्यानपूर्ण सुनना चाहिए और बिना पूर्ण ग्रह बिना किसी संकोच के बात रखनी चाहिए। सामूहिक चर्चा के समय में सभी सदस्यों में परस्पर सहायता एवं सहनशीलता से अपने विचार रखने चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को ये कि वह प्रत्येक सदस्य के विचारों को सुने और आलोचनात्मक रूप से उचित ढंग से प्रोत्साहन एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए उचित निष्कर्ष ले। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा के दौरान सदस्यों से ये भी अपेक्षित है कि वह अपनी बात रखते समय भाषाई शुद्धता व्याकरण सम्मत भाषा हो, भाषा के द्वि अर्थता स्पष्टता और अशुद्धता ना हो और संक्षिप्तता का ध्यान रखें। सामूहिक चर्चा के उद्देश्य सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है समूह के सदस्यों के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं का निराकरण। चूँकि सामूहिक चर्चा के समूह सदस्य एक तरह से विषय विशेषज्ञ होते हैं, अंत ऐसे व्यक्तियों का परस्पर बातचीत के बाद निर्णय लेना रचनात्मक परिणाम प्रदान करता है। सामूहिक चर्चा के आयोजन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जैसे सामूहिक चर्चा के लिए समूह के लोगों को सूचित करना किस दिन कहां पर और किस समय किस उद्देश्य से मिलकर उन्हें सामूहिक चर्चा करनी है। उसके साथ ही सामूहिक चर्चा की पूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में सदस्यों के पक्ष लिखित रूप से इसे पूर्ण की बैठक की कार्यवाही और निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए ताकि समय की बचत हो और उचित निष्कर्ष पर पहुंचते हुए सिद्ध रीतियता निर्णय के लिए लिया जा सके। प्रभावी सामूहिक चर्चा के लिए समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि सामूहिक चर्चा में सभी सदस्य नकारात्मक के प्रतिक्रियात्मक रूप से भाग ले और समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित निर्णय लेने में संबद्ध अपना योगदान अपनी व्यक्तित्व आकांक्षाओं को छोड़ कर प्रदान करें। संप्रेक्षण के सामूहिक चर्चा माध्यम के गुण की ये कि किसी जिसमें किसी विस्तृत विषय पर निर्णय विस्तार से चर्चा परिचर्चा के बाद उचित निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि विषय की गंभीरता को देखते हुए सभी अपनी अपनी राय रखते हैं, अंत उचित निर्णय लेने की आसानी रहती है। संप्रेक्षण की इस विधि का एक प्रमुख लाभ यह है कि समूह के सदस्यों को सोचने समझने वैचारिक आदान प्रदान और संवाद कायम कर निर्णय लेने हेतु प्रेरित करना एक प्रभावशाली तरीका है। इससे समूह के सदस्य एक दूसरे से सीख भी सकते हैं और वे दूसरों को सिखा भी सकते हैं। लेकिन जब समूह के सभी सदस्य मन में सामूहिक चर्चा में भाग ना ले तो बहुत संभव है कि कोई गलत फैसला भी लिया जा सकता है। यह इस संप्रेक्षण माध्यम का एक बड़ा दोष कहा जाएगा, जिसमें समय भी अधिक लगता है। कई बार किसी विषय पर आम सहमति ना बनने के कारण सदस्यों का समझौतेवश निर्णय लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार का पता नहीं
चलता, क्योंकि निर्णय सारे समूह का होता है। अंत कई बार व्यक्तिगत राय मत दब कर रह जाता है।